तो अब से थोड़ी देर में कोलकाता पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, नेताजी की जयंती पराक्रम दिवस पर संबोधन करेंगे। आमरा नूतन यौवनेरी दूत कार्यक्रम की शुरुआत भी करेंगे। पूरे कोलकाता शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल शहर में तैनात है। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, दो कार्यक्रम में उन्हें हिस्सा लेना है। पूरे कोलकाता शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल इस वक्त शहर में तैनात है। पराक्रम दिवस के तौर पर सरकार इसे मना रही है और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री कोलकाता में होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 3:30 बजे, अब से कुछ देर में, करीब आधे घंटे में 3:30 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने नेताजी की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। सारा राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में एक पदयात्रा की अब से कुछ देर पहले, और इसके बाद उन्होंने भाषण भी दिया। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार से पराक्रम दिवस पर राय नहीं ली गई। ममता बनर्जी की जो बड़ी बातें रही उनके भाषण की, ये एक बार आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी के जन्म दिवस पर छुट्टी घोषित होनी चाहिए, कोलकाता भी देश की राजधानी बननी चाहिए, देश में 4 अलग अलग राजधानियां हो, ये मांग ममता बनर्जी की तरफ से की गई है। पराक्रम दिवस पर हमसे कोई राय नहीं ली गई, केंद्र सरकार ने हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया, ये ममता बनर्जी ने कहा। स्कूल की किताब में नेताजी पर चैप्टर होना चाहिए, ममता बनर्जी के भाषण की ये 5 बड़ी बातें। अब से कुछ देर पहले उन्होंने पदयात्रा की। देश नायक दिवस के तौर पर आज के दिन को ममता बनर्जी टीएमसी बंगाल सरकार बना रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार आज पराक्रम दिवस के तौर पर 125वीं जयंती नेताजी की मना रही है और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंच जाएंगे। दो कार्यक्रमों में उन्हें हिस्सा लेना है। 3:30 बजे पहला कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी बड़ी संख्या में अपने नेता कार्यकर्ता आम जनता के साथ एक पदयात्रा करती हैं। देश नायक दिवस के तौर पर ममता बनर्जी ने आज के दिन को मनाया है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही देश रत्न निगम मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिए। लेकिन सबसे पहले विशाल पांडे का रुख करते हैं, समझते हैं कि आज ममता बनर्जी की बड़ी बातें क्या रही और अब से कितनी देर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और क्या कार्यक्रम वहां पर होने वाला है। विशाल, देखिए, आपसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचेंगे और वहां से सीधे नेताजी भवन जाएंगे एल्गिन रोड पर, और फिर नेशनल लाइब्रेरी में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है जहां पर इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन पिछले कई दिनों से चल रहा है और उसमें एक छोटा सा संदेश भी पीएम मोदी की तरफ से दिया जा सकता है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी विक्टोरिया मेमोरियल पर आएंगे जहां पर फिलहाल तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, क्योंकि आज यहां पर नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर कई कार्यक्रम किए जाएंगे। नेताजी को याद किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां से भाषण भी होगा और खास तैयारियां की गई। एक बार मैं आपको तस्वीरें अगर दिखा पाऊं, जो यहां के गेस्ट हैं वो धीरे धीरे यहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ प्रबुद्ध जनों के साथ चाय पर चर्चा भी कर सकते हैं इस कार्यक्रम के बाद। और इस कार्यक्रम में भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुलाया गया है। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में आती हैं या नहीं आती हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने आज इस कार्यक्रम से पहले ही अपनी देश नायक के तौर पर उन्होंने नेताजी की जयंती को मनाया और पदयात्रा के बाद उन्होंने बड़ी बातें कही और उसमें यह मांग कर दी है कि कोलकाता को भी देश की एक राजधानी बनाई जाए। पराक्रम दिवस पर सवाल खड़े किए हैं कि केंद्र सरकार ने बिना किसी से बातचीत किए पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का जो केंद्र सरकार का फैसला किया, उस पर सवाल खड़े किए ममता बनर्जी ने। और उसके बाद अब कहा है कि राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए 23 जनवरी को। अब इन मांगों के बाद देखना यह होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन आज 23 जनवरी के दिन भी कहीं ना कहीं राजनीति दिखाई दे रही है नेताजी के कार्यक्रम में। अगर जिस तरह से केंद्र सरकार पर हमला बोला है ममता बनर्जी ने, उससे कहीं ना कहीं यही नजर आता है। और अब प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि पता चल रहा है कोलकाता पहुंच चुके हैं, तो और थोड़ी देर बाद वहां से वो नेताजी भवन एयरपोर्ट से रवाना होंगे और देखना यही होगा कि आज पश्चिम बंगाल की इस धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संदेश देते हैं और क्या कुछ वो कहते हैं, क्योंकि नेताजी को लेकर लगातार
लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया, चाहे वो लाल किले में एक म्यूजियम बनवाना हो नेताजी की याद में, आज़ाद हिंद फौज की याद में, या फिर 2015 या 2016 में कई फाइलों को डीक्लासीफाई करना हो जो कि नेताजी से जुड़ी हुई थी, जिनसे नेताजी के रहस्यों का पता चल सके। और इसके अलावा इस बार प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ही एक हाई लेवल कमेटी का गठन भी केंद्र सरकार ने किया है, जो कि साल भर नेताजी की जयंती को कैसे मनाया जाए इस पर काम कर रहे हैं और उनसे जुड़ी हुई जगहों को विशेष तौर पर। तो जो दो कार्यक्रम आज होने वाले हैं उसके बारे में विशाल पांडे ने बताया। एक बार फिर से हम विशाल का रुख करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले देश रतन निगम हमारे साथ है। देश रतन निगम साहब, बंगाली अस्मिता के मुद्दे को कौन कितना जोर शोर से उठा सकता है? जंग इसी बात की है चुनाव से पहले। विशाल जी, मैं पहले एक बात आपको साफ कर दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरे भारत के हैं, बंगाल के ही नहीं है। और प्रधानमंत्री ने ये बात हमेशा बताई है, और जब अंडमान निकोबार के उस टापू पर प्रधानमंत्री गए थे, वो झंडा फहराया था जहां हमारे नेताजी ने सबसे पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई थी 1943 में। प्रधानमंत्री हमेशा से ही नेताजी को बहुत ही सम्मान से देखते हैं और उनका आदर और सम्मान करते हैं। उनको वो स्थान दिया जो पहले किसी प्रधानमंत्री या किसी सरकार ने नहीं दिया। और ममता बनर्जी रही, उनको इलेक्शन के वक्त में याद आ रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इससे पहले मैं नहीं समझता हूँ वो याद भी करती थी। उन्होंने तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी किनारे फेंक दिया, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल आज हिंदुस्तान का हिस्सा बना हुआ है। तो राजनीति देखिए ममता बनर्जी कर रही हैं, और वेस्ट बंगाल जो कि हमेशा से जाना जाता है स्वतंत्रता संग्राम में अपने कंट्रीब्यूशन में और भाग लेने के कारण, अपने बुद्धिजीवियों के कारण, साहित्य इतिहास और संस्कृति के कारण, और आज जो आपको ममता बनर्जी के राज्य वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है वो सिर्फ हिंसा देखने को मिलती है और तुष्टिकरण देखने को मिलता है माइनॉरिटीज का, अल्पसंख्यकों का। तो उससे बाहर उनको निकलना पड़ेगा अगर उनको लगता है कि कुछ वो कर सकती हैं। और दूसरा, प्रधानमंत्री का वहाँ जाना इस बात का संकेत देता है कि वो क्या समझते हैं वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल की जो भूमिका है भारत में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिसको कि वो बार बार लोगों को बताना चाहते हैं। आपको ये भी याद होगा, ममता बनर्जी ने किसी वक्त कहा था कि वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी जी के बारे में उनका फोन लेने से मना कर दिया था इम्फान की, जब आपका साइक्लोन आया था। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद जो राजनीति वो करती हैं वो ओछी राजनीति करती हैं। आयुष्मान भारत को उन्होंने लागू नहीं होने दिया, जो गरीबों के लिए बहुत बड़ी स्वास्थ्य संबंधी योजना है। तो राजनीति तो देखिए वो कर रही है ओछी, प्रधानमंत्री लोगों को बता रहे हैं कि भाई हम वहां पर ठीक आ रहे हैं। केंद्र सरकार पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है, ममता बनर्जी से देश नायक दिवस के तौर पर मना रही है। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। दो कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री को हिस्सा लेना है। पहला कार्यक्रम 3:30 बजे शुरू होने जा रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.